हमारे सर यहाँ पे पहले जो मैडम थी वो चला रही थी गौशाला। क्या नाम था मैडम? मैडम का गुरु छाया नाम था। उसने काफ़ी दिन से चला रही थी और उसके बाद फिर आ गया था श्याम सिंह जो घूमने डगाओं का ही है। तो उन्होंने चलाई यहाँ पे, मेहनत भी करी, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया। फिर यहाँ पे फिर वो गुरु छाया आ गई। उसके बाद ये गऊ भी मर रही है, पहले ही मर रही थी। अब 20 गाय पहले नंदा भी थी 2-3 दिन पहले, और 36 गाय टोटल और अभी मौजूद यहाँ पे है। और नहीं तो डॉक्टर है, नहीं चारा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे इनको खाने खिलाने के लिए। और लेबरों के लिए भी मतलब कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। 8-9 महीने के लिए तनख्वाह भी रुकी हुई उनकी, ठीक है जी। कितनी गाय है? कुल गाय 1500 गाय है और 36 गाय मर चुकी है। 20 गाय पहले दाब दी और 2-3 दिन पहले, और 4-5 गाय डेली मरने लग रही है यहाँ पे। क्या माना जाए, जिस तरह से बारिश है, बाड़ों में पानी भरा हुआ है, पानी की वजह से, भूख की वजह से, इस वजह से मर रही है? पानी से भी मर रही, पानी गोटा गोटा पानी हो रहा है, उसमें गाय कहाँ जाएगी? छोटा बच्चा उसके ऊपर गिर गई, वो गिर गई, तो ऐसे ही गाय मर रही है। और कोई दवाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूखी भूख से भी। ये टूड़ा पड़ा हुआ है, 100 गाय भी नहीं खा सकती, टूड़ा भी नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। और 2 ट्रॉली लगा रखी है, अब लगाई है 2 ट्रॉली, पहले नहीं थे। पानी भी नहीं है, खुद लेबरों के लिए पानी नहीं है पीने के लिए, तो यहाँ पर गौ की सेवा कहाँ से होगी? गाय कहाँ से आती है? गाय जैसे कोई गांव का छोड़ देता है, कोई एमसीडी से भी आती है गाय, जैसे आवारा पशु वो भी यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ भी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे। एमसीडी भी जब यहाँ गाय छोड़ती है तो जो भी यहाँ का जिम्मेदार होगा उसको पैसा भी देती है सरकार? हाँ, देती है पैसा। उसके बावजूद भी यहाँ लापरवाही है? हाँ, लापरवाही सर। विधायक कौन है? विधायक ये गुलाब सिंह यादव जी, अपना हमारे गांव का ही है। वो कोई रेख देख नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी। एक मतलब आम आदमी पार्टी से है वो। अगर उसका एक मतलब गांव के हित में एक गऊ माता के उसमें हक बनता है कि जाके गौशाला में देखे कि हमारी गौशाला का क्या समाधान है क्या नहीं, कुछ तो करे यहाँ पे आके। ये 1998 से हमारे CM पूर्व CM वर्मा जी आचार्य सुशील गौ सदन को 20 एकड़ के लगभग में जमीन अलाट करके गए थे। तभी से इसकी एक संचालक है आचार्य सुशील गौ सदन की, गुरु छाया जी। वो पिछले कई सालों से उसके लगातार ही संपर्क में हैं, गांव वाले भी हैं, लेकिन बगैर मेंटेनेंस के और बगैर किसी डॉक्टर के इस जो गौशाला की जो दुर्दशा है वो बहुत भारी दुर्दशा है। हर रोज़ कम से कम 15 से 20 गाय रोज़ाना मरती है, बगैर चारे के, बगैर डॉक्टरी के इलाज के, बगैर पीने के पानी के, हरे चारे के, भूखी, ठीक है ना जी। बड़ी परेशानी हो रही। ये तो अब पिछले 15 दिन से गांव के नौजवान बच्चे आए हैं गांव में, और इन्होंने अपना कुछ हल्का फुल्का गांव से इकट्ठा करके हरा चारा मंगाया है, भूसा मंगाया है, मरी और गाय आपने देख ली है, उनको दबाने का कार्य जैसी भी अपनी इंडिविजुअल पैसे से। बेरोजगार बच्चे हैं सब के सब। अभी अभी जो है पुलिस भी आई, शिकायत किया है, तो क्या पुलिस इसका पोस्टमार्टम करा रही है? पुलिस अभी SHO आए थे छावला से, तो वो बोल के गए हैं उन्होंने कहीं जाना था। अब बाबा हरिदास नगर SHO आए हैं, ACP साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि इन गाय का जितनी मरी है इनका पोस्टमार्टम होगा और फिर इन गायों को दफनाया जाएगा। क्या लगता है कि क्यों वजह, क्या वजह रहे कि यहाँ पानी, बारिश भी हो रही है? पानी इसके पहले तो ये है, पानी है बाहर, ऊंचाई है जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे नीचा है, बरसात का पानी अंदर घुस जाता है। पंपिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार की, पानी की निकासी नहीं है। जैसे ही गाय छोटे छोटे बच्चे है, गाय ब्याएगी, बच्चा पैदा होगा, तो उसके लिए डॉक्टर की सुविधा नहीं है। और ज़्यादा गाय मरती है फ्लू के कारण, वायरस के कारण। एक गाय मर गई, उसको MCD वाले नहीं उठाएंगे तो दूसरी गाय में बीमारी आएगी। डॉक्टर है ही नहीं, पिछले लगभग 10 दिन से तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ? खाने पीने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 दिन से मोटर जली पड़ी है, 2 यहाँ पे समरसिबल है,
एक विद्रोह के पास में समरसिबल है, तीन समरसिबल है, तीनों की तीनों मोटर जली हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा गाय के नाम पे, पता नहीं एमसीडी भी और दिल्ली सरकार भी पर गाय की डाइट देती है, पर डे की डाइट देती है, हमें नहीं पता वो डाइट कहाँ जाती है, किसके हाथ में जाती है, क्या करते हैं डाइट इंजॉय वाले जो इंजॉय चला रहे हैं वे क्या करते हैं। आज मेरी नरेश गुप्ता जी से बात हुई है, यहाँ के जो पहले प्रधान थे, उन्होंने भी बोला भाई हम तो क्या कर सकते हैं, अरे आप प्रधान हो